नगर परिषद दिवाली के वार्ड नंबर 1 से खास संपद के लिए निर्वाचित किया गया हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं द्वारा भारतीय संविधान के सच्ची श्रद्धा ईमानदारी व निष्ठा रखूंगा, शुद्ध अंतकरण से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। बहुत बहुत स्वागत विधायक साहब सभा में पहुंचने का। प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि आप सभा में उपस्थित अपने सभी सहयोगियों को मार्गदर्शन करें, दो शब्द कहें। अरे सिस्टम में खराबी थी, उसको ठीक करने के लिए लोगों ने ये आदेश दिया है, जनता ने आदेश दिया है और जनता पूरी तरह से ये मैं मानता हूँ कि सभी पार्षदों और चेयरमैन पद के लिए हमारे लोगों को अपने आशीर्वाद दिया है। इसके लिए भिवाणी की जनता जनार्दन का बार बार धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ, पीछे हम बड़े बड़े कपड़े हुए हैं, सिस्टम खराब थे, उन सिस्टमों को आज से ही चेतावनी मांगकर सुधारने का प्रयास करें। बीआईडी में घपला है और जो यूनिटें रातों रात चेंज कर दी गई उनमें भी घपला है। ये घपले हमने कमेटी से मिटाने होंगे और हम शहर की तरक्की और उन्नति के लिए काम करें और आगे बढ़कर जो ईमानदार शहर काम होता है उसको साथ लेकर चलें। भाई कोई लेस वाले सिस्टम चले होंगे, लेकिन आज हम चाहते हैं कि ये हमारे पूरी टीम है जमी जैन और ये सब और हमारे अस्थियों भी हैं। मेरा निवेदन है सबसे कि आप कम रेट का जो टेंडर लगाते हैं उसके लिए आपने देखना होगा कि हम कितने मेहनत में ये काम कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि अब की बार कोई भी चीज कोई भी गलती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि भवानी मेरे पुत्र के समान है और इसकी वजह से हमारी पुत्र बंधु आज ये मान के चले कि शहर में जरूरी प्रमाण पत्र के लिए लोग बार बार चक्कर काटते हैं, उनको उसकी सुविधा भी हम घर बैठे उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। ये निश्चित मान है कि हम सब भिवाणी जनता की आवाज जो भी उठेगी हम उसके साथ खड़े होंगे। और भिवाणी के लोग हमारे अपने लोग हैं और सिस्टम सबका हमारा है, तो हम उन सब लोगों की जो हमारे क्षमता है उत्साह को बरकरार रखेंगे, उसके लिए हम काम करेंगे। मैं सभी प्रांतों के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी इसी प्रकार के साथियों के माध्यम से
आप काम करें। आपको कोई भी रिकॉर्ड नहीं, कोई गली है नहीं, कोई सड़क है। नगर परिषद भिवानी के प्रधान पद के लिए निर्वाचित की गई थी। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी व निष्ठा रखूंगी तथा शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। जो निष्ठाएं जनता के मन से संजोई हैं, उन निष्ठाओं को लेकर आप आगे बढ़ें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक शहर का नागरिक अब बीजेपी के साथ जुड़ा है और हम ये आशा करते हैं कि इन सभी बिंदुओं को लेकर, चाहे वो PID का मामला हो, चाहे टैक्सेशन का मामला हो, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला हो, हम चाहते हैं कि लोगों को घर बैठे हम काम की सुविधाएं प्रदान करें और उसके अंतर्गत हमारे कमेटी के सभी साथी, हमारे सभी पार्षद, चेयरमैन की दावेदार रही और आज हमारे बीच में चेयरमैन बन के आई है मिसेज भवानी प्रताप। मैं उन सब को स्वागत करता हूं और एक निर्देश भी देना चाहता हूं कि आप लोग पिछली सिस्टम की तरह काम न करें। सिस्टम आपका अलग से होना चाहिए और ये एक निश्चित करवाएं कि हम जो माइनस में काम लेते देते थे उनकी संख्या भी कम हो। और माइनस का मतलब है सरकार सड़क को ख़राब करना या स्ट्रीट लाइटों को ख़राब करना। ये व्यवस्थाएं हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह PWD में सरकार पूरे पैसे का ठेका देती है और BNR के माध्यम से जो सड़कें बनती हैं वे सर्वश्रेष्ठ सड़कें बनती हैं, तो आपकी भी सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो जनता के मन को भाए। आज जो भी हमारे नाले जी लगता है कि जो दाग लगा था नगर परिषद पर वो धुल पाएगा नहीं। अच्छा है ये नए जो सिस्टम बनाया है इसमें देखो लोग जो एक एक वार्ड से 10-10 खड़े होते थे, अब की बार आपने देखा होगा 5 से ऊपर कैंडिडेट किसी भी वार्ड में नहीं थे और उनको पता था कि जिस टाइप के घोटाले वगैरह ये लोग करते थे उसको विराम देने के लिए सरकार ने डायरेक्ट चेयरमैन के चुनाव किए। अब जो पार्षद चुने हैं वे भी जनता के मर्जी से चुने हैं और जनता उनसे हिसाब भी मांगेगी, उनका काम की भी जांच पड़ताल होगी और वे लोग सभी लोग मिलके हमारे सिस्टम को ठीक करने का, जो भिवानी की कमेटी के बारे में अधिकारी आने से भी डर रहे थे उसको हम ठीक करने का काम करने जा रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक हमारा शहर का इसमें शामिल हो और शहर की व्यवस्थाओं को दिक्कत नहीं थी। ना पार्टी का मोह हमने त्याग किया था, ना आज भी छोड़े हैं, हम पार्टी के साथ थे, उस दिन भी साथ थे और जब से भवानी प्रताप बना है ये भी इसकी जो मिसेज बनी है प्रीति वो भी हमारे साथ है। हम सब मिलकर शहर की दशा और दिशा सुधारने का काम कर रहे हैं। पार्टी के साथ है तो पार्टी का कैंडिडेट आ रहा है उसका मलाल है आपको? ऐसा है पार्टी का कैंडिडेट को जो हम दो कैंडिडेट पार्टी के मान के चल रहे थे, एक को हमने जिता दिया, एक थोड़े वोटों से पीछे रह गया। उसकी अवस्था भी कुछ ऐसी थी कि उसके परिवार ने भी जिस प्रकार से शहर में कई वार्डों से जीत हासिल की थी वो भी एक बात उसके सामने आई, लेकिन अपने बल पर पार्टी के वोट भी गए हैं इसके, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो ये बेटा है इसने परचम लहराया है, इसकी वाइफ ने परचम लहराया है, प्रीति भवानी ने परचम लहराया है। इसके लिए मैं चेयरमैन अभी बकाया है तो उसके लिए कब तक तैयारी की जाएगी, क्या ऐसा है उसका जो भी समय होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उसकी तैयारी करें। ऐसा है कुछ सिस्टम खराब था तभी तो घोटाले हुए हैं। अब क्या सिस्टम होगा? अब सिस्टम होगा जो जनता की पारदर्शी नीति बनाएंगे उसके आधार पे काम आवंटित करेंगे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति शहर का और प्रत्येक समाज का व्यक्ति इसमें शामिल होगा, भागीदार होगा
और कोई भी गलत काम करने से रोकने के लिए हमने भी एक टास्क फोर्स बना दी है, जो काम गलत करेगा उसका हम ऊपर से नाम कटवाने का काम करेंगे। विधायक जी चुनाव मैदान में